Hello students, this is your new fun activity spring art with bottle. आपको कोई भी एक small bottle use करनी है, कोई भी जिससे मैंने ये use करी है. अब आप क्या करेंगे, इस bottle को इस तरह से इस paint में dip करेंगे. यहाँ मैंने red color use किया है, आप कोई भी different color use कर सकते हैं, water color है. इसके बाद हम इसको इस तरह से dip करने के बाद अलग अलग जगह पर इसे स्टैम्प करेंगे लाइक दिस. मैंने इसको इस तरह से डिप कर लिया है. अब हम इसे थोड़ा सा फ्लावर शेप देंगे, तो हम इसे हल्का सा हैंड से इस तरह से इस तरह से करने के बाद अब ये थोड़ा ड्राई हो जाएगा. ड्राई होने से पहले हम इसमें एक येलो कलर भी यूज करेंगे. आप वाटर कलर भी यूज कर सकते हो, जो भी येलो कलर आपके पास अवेलेबल हो. मैं येलो कलर ऐसे फिंगर में डिप करके इसके बीच में एक सर्कल लूंगी लाइक दिस. इस कलर से डिप करने के बाद आप या तो कोई क्रेयॉन कलर ग्रीन यूज करेंगे या फिर कोई स्केच ग्रीन कलर यूज करेंगे. जैसे मेरे पास यहाँ स्केच ग्रीन कलर है. अब हम क्या करेंगे, जैसे आप लोग नीचे ग्रास बनाते हैं ना किसी भी सीनरी आउट में, इस तरह से मैं भी आपने रफली करना है. इस तरह से ये करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसे लाइन ड्रॉ करें. अब हम यहाँ पे बनाएंगे लीव्स. इस तरह से लीव्स बनाने के बाद अब हम कोई भी एक ग्रीन कलर यूज करेंगे. आपके पास ऑयल पेस्टल हो तो आप ऑयल पेस्टल भी यूज कर सकते हैं.
इस तरह से यूज़ करेंगे, ज़्यादा नहीं फिल करना है आपको, बस जो इसकी वाइटनेस है हमने वही ख़त्म करनी है। नीचे की साइड पे भी इस तरह से हम लोग ले लेंगे। ऐसे ही हम लीव्स में भी करेंगे। लास्ट मैं थोड़ा सा स्काई ब्लू कलर यूज़ कर रही हूँ। आप हल्का हल्का बिल्कुल बैकग्राउंड में इस तरह से शेड करेंगे। ज़्यादा नहीं करना है। This is your spring art with bottle activity. Thank you. Keep practice.